चैलेंज कर रही हैं वेस्टर्न जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो वेस्टर्न बिलीफ्स हैं उनको ये टारगेट करती हैं द बिलीफ्स अबाउट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी क्रिटिक्स पेट्रियॉरिकल सिस्टम्स फॉर मॉडर्नाइजिंग एंड ऑपरेसिंग वुमेन जो सिस्टम हर देश में हर जगह पे हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में चलता आ रहा है जहाँ वेमेन को ऑप्रेस किया जाता है उनके बारे में भी अपना क्रिटिकल एक आइडिया देती है

फ्रॉम देजी टू टू वन नाइन सेवन तो बेसिकली तरीके से ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है अच्छा एग्जाम्पल दूंगी तो अच्छे समझ आ जाएगा अब एक लड़की की शादी होनी है उसकी शादी ऑब्वियसली लड़के से होनी है तो उस लड़की के फादर ने डिसाइड किया कि वो कौन से लड़की से शादी करेगी तो बेसिकली लड़की से ना पूछा गया ना उसकी मर्जी जानी गई ना लड़की के बारे में जाना गया लड़की के की नहीं हुई तो इससे क्या चलता है कि objectified, उनको commodities की तरह किया जा रहा है दैट आर बींग ट्रेडेड बिटवीन मैन द मेन आर ट्रेडिंग लास्ट पॉइंट से

जो सोसाइटी है वो अभी भी मेन की तरफ एक तरीके से ज्यादा झुकी हुई है तो इन्फ्लुएंस इन दी चांसेस दे गेट आर मच मोर देन द वुमेन वुमेन को इतने चांस ही नहीं मिलते हैं कि वो इस पैट्रियर्कल सोसाइटी में अपनी फेमिनिटी को खुलकर दिखा सके खुलकर जी सके हम सेंट्रल आइडिया के बारे में जान चुके हैं अब इस पूरे Uh, जो पेजेस हैं यार इनके कॉम्युनिटीज का जो टेक्स्ट है उसको हम सिर्फ सात शॉर्ट पॉइंट्स में कवर कर लेंगे पेट्रियॉर्कल एक्सचेंज डायनामिक्स तो जो फर्स्ट चीज पे जो फोकस डाला गया है इस चैप्टर में वो है दट्रियार्कल एक्सचेंज डायनामिक्स कि ना अब जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया सेंट्रल आइडियाज का यही था कि, कि उनको इस तरीके से यूज किया जाता है कि अगर दो फैमिलीज के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है तो उनको ट्रेड किया जाता है दहेज के साथ सो दहेज हेयर इज द अलोंग विद द विमेन ठीक है विमेन को कॉम्योनिटी समझ लिया साथ में दहेज दे दिया साथ में सामान दे दिया और इससे क्या होगा एक तरीके का सोशल ऑर्डर बना रहेगा एक तरीके का जो सोशल ऑर्डर चलता आ रहा है इतने सालों से इतनी सदियों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा सो दिस इज वॉट दिस इज अमिक डायनामिकल सोसाइटी विच इज स्टिल स्टक इन दिपिकल ऑर्डर एक ऐसी सोसाइटी है जिसको बदलना चाहिए बट स्टिल बिकॉज ऑफ द पेट्रियॉर्कल ऑर्डर अभी तक

What is is this? This is a homosexual order being maintained. ऐसी बनाई जा रही है where the women, उनको ये चांस भी नहीं दिया जाता कि वो सोसाइटी अपने घर के मामलों में ही उठ के बोल सके तो बेसिकली होमोसेक्सुअल यानी कि सिर्फ और सिर्फ बीच में भी 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 चलता है जबकि जो इकोनॉमिक रोल्स है इसमें से जो काम करने जाना और पैसे कमाना इसमें अब थोड़ी सी प्रोग्रेस आ चुकी है हेट्रोसेक्सुअलिटी आ चुकी है बट ये यहीं तक लिमिटेड है दोशो कल्चरल ऑर्डर इज स्टिल होमोसेक्सुअल इट इज स्टिल पेट्रियल डोमिनेंट मूविंग फॉरवर्ड टू दर्ड पॉइंट इज इज फॉरबिडल रिलेशनशिप एक तरीके की ऐसी सोसाइटी बना दी गई है जिसमें एक दूसरे की तरफ प्यार भी दिखा पाना फॉरबिड कर दिया जाता है उसको एक साइन माना जाता है दैट यूर यू यूर लेस ऑफ अ मैन इफ यू डू सो आर लेस ऑफ अ मैन इफ यू शो ऑफ योर लव यू फील इमोशनल ऐसे ऑर्डर्स बना दिए गए हैं ऐसे नॉर्म्स बना दिए गए हैं जो सोसाइटी में नहीं होने चाहिए Still, they stand strong like a wall. So this is the idea that she discusses: female homosexuality. The text discusses female homosexuality within patriarchal societies, suggesting that it challenges traditional notions of femininity and poses a threat to the existing social and economic order. Basically, according to her, if two female females love each other, of two, or if two females. आई विंग टू स्पेंडर लाइफ विदर इट इज रॉन्ग ये गलत है अगर दो फीमेल है, है। तो बेसिकली ये को खुल के सामने नहीं आने देना चाहती हमारी पेट्रियॉरिकल सोसाइटी और इसी आइडिया को चैलेंज करती है लूसी की कैसे इन चीजों को फॉरब करना एक थ्रेट है हमारी सोसाइटी में क्योंकि लोगों की आइडियाज को सप्रेस किया जा रहा है

The men will not have a chance to oppress them. A masculinity complex is that they will not have a chance, the men will not have a chance to tell them what to do, to trade them like commodities. Basically, a relationship jaega, which is pure, which is uh,

लोग ये समझ ही नहीं पाते कि ये आइडिया क्या है किस चीज के बारे में बात हो रही है कि ये एक्चुअली हो सकता है इन चीजों के बारे में लोगों को ना नॉलेज है और ना ही वो उस बात को कभी एक्सेप्ट कर पाते हैं सो दिसको चैलेंज टू देम दैट देर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी द रियलिटी इज द फीमेलो सेक्शुअलिटी एंड दैट्रियॉर्कल सोसाइटी कैन नॉट एक्सेप्ट पेट्रियॉर्कल सोसाइटी ये सच except नहीं कर पाती that females can be homosexual. Moving forward to the last point, alternative exchange models. The text imagines alternative exchange models where commodities, which is women, women are being commodities here, interact among themselves, free from patriarchal control. This utopian vision.

तो so, एक ऐसी लाइफ बन जाएगी, एक यूटोपियन विजन है कि इज़ नॉट येट अचीव इनको कमोडिटीज की तरह ट्रेड नहीं किया जाता नहीं जाएगा पर अगर अभी भी हम इनको कॉमोडिटीज की तरह सोच रहे हैं तो देफ Commodities amongst themselves. So that is the end of our video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.